सौबात की एक बात यह कि और कितना जलील होगी ये परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए। अब यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया तो उसको कैंसिल कर दिया। इस परीक्षा के आधार पर टीचर और रिसर्चर चुने जाते हैं, प्रोफेसर बनते हैं लोग, ये पेपर भी लीक हो गया। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में दाखिला पाने की परीक्षा नीट पर पहले ही 1000 सवाल चल रहे थे, अब ये पेपर और लीक हो गया। ये एजेंसी परीक्षा करवाने के लिए ही बनाई गई थी, ये परीक्षा ही नहीं करवा पा रही है क्या? तो कर क्या रहे हैं ये लोग, ये हैं क्यों फिर एजेंसी? कोई एक गलती होगी, दो गलतियां हो जाती हैं, चार चीजें छूट जाती हैं, लेकिन यहां तो आपने, आपसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है। हर परीक्षा पर सवाल, हर परीक्षा में आरोप। इस भरी गर्मी में लोग बसों में बैठकर, ट्रेनों में लटककर मीलों दूर परीक्षा सेंटरों में पहुंचते हैं परीक्षा देने, और पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा कैंसिल हो जाती है। मजाक चल रहा है क्या? आपसे नहीं हो पा रहा तो हटिए भाई, अब फिर करवाएंगे पेपर, फिर लोग तैयारी करेंगे, फिर परीक्षा सेंटर आएगा, फिर सेंटर तक पहुंचने का जुगाड़ किया जाएगा, फिर पेपर लीक हो गया तो बच्चे क्या पास होंगे यहां जब परीक्षा ही फेल हो जाती है? यहां पर ऐसी परीक्षाओं से चुनकर दाखिला दे रहे हैं हम डॉक्टरों और इंजीनियरों को, ऐसी परीक्षाओं से चुने गए लोगों से रिसर्च करवाएंगे हम? पूरे देश को एनटीए जैसा नाकारा बनाना है क्या? ये यूजीसी नेट वाली परीक्षा पिछले साल तक कंप्यूटर से हो रही थी, उसमें दो दिन से ज्यादा समय लग जाते थे। तो इन एनटीए वालों को आइडिया आया कि छोड़ो कंप्यूटर से परीक्षा लेने का चक्कर, इस बार फिर से कागज पेन से करवा लेते हैं, एक ही साथ हो जाएगा पेपर। करवा लिया कागज पेन से, लो फिर हो गया पेपर लीक। वैसे तो कहते हो कि हमें तकनीक से आगे बढ़ना चाहिए, पीछे क्यों जाएं? कहते हो ना कि अब जब हम ईवीएम के जमाने में आ गए तो वापस बैलेट पेपर के जमाने में क्यों जाएं? तो कंप्यूटर वाला एग्जाम कागज पेन से क्यों करवाने निकल पड़े? एक ही दिन में करवाना था सिर्फ इसलिए, एक ही दिन में हो तो गया, लेकिन फिर एक ही दिन में कैंसिल भी हो गया। और लगता तो ऐसा ही है कि एक ही दिन में कैंसिल भी नीट के चक्कर में हुआ, क्योंकि नीट में एजेंसी अड़ी हुई है कि वो तो अदालत कहेगी तभी कैंसिल करेंगे। तो ऐसे में जब नेट का पेपर लीक हुआ तो एजेंसी ने बवाल मचने से पहले ही खुद ही कैंसिल कर दिया। हुआ जो भी हो, लेकिन लोगों को ऐसा नहीं लगेगा तो कैसा लगेगा बताइए। उधर बिहार में आरोप लगा रहे हैं कि नीट में धांधली के तार तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। अच्छा, लेकिन आप तो कह रहे थे कोई धांधली हुई ही नहीं थी, आप तो कह रहे थे सिर्फ ग्रेस मार्क गलत दे दिए थे, तो उन बच्चों का टेस्ट फिर से ले रहे हैं? तो तेजस्वी यादव के तार कौन सी धांधली से जुड़ रहे हैं फिर? पकड़िए ने जाकर जिसको भी पकड़ना है, अगर धांधली हुई है तो। इन परीक्षा देने वालों ने रोक रखा है क्या आपको? पकड़िए आप धांधली बोल रहे हैं तो। लेकिन धांधली हुई है तो पेपर कैंसिल नहीं करेंगे क्यों? तेजस्वी यादव का नाम पेपर लीक से जुड़ रहा है लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ है, ये बच्चों की समझ में नहीं आ रहा, और ना बच्चों को समझना है। ऐसी परेशानियां होती रही तो जो ईमानदारी से भी डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनेगा उसको भी सब ऐसे देखेंगे जैसे नकल से पास करने वालों को देखते हैं। आपकी इस नाकारा एजेंसी एनटीए में भी सभी अफसर थोड़े ही नाकारा होंगे, कुछ तो थोड़ा बहुत काम वाम जानते होंगे ना। सोचिए उनको भी कैसा फील हो रहा होगा जब इतनी लानतें पड़ रही हैं पूरी एजेंसी को, तो वो किसी को बताने में छुपाते फिरेंगे कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि हम भी एनटीए में काम करते हैं। आपकी तो मट्टी पलीद हो चुकी, बच्चों के भविष्य पर रहम खाइए, देश की व्यवस्था पर रहम खाइए, बंद कीजिए ये नीट वीट अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो। सौ बात की एक बात।